बिलासपुर के उपनिदेशक बागवानी डॉक्टर विनोद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आम के पौधों में छोटा भूर रंग का कीड़ा होता है जिसका नाम मैगो हार्पर या फिर भुनगा या फिर तेला कहलाता है, जो कि बसंत ऋतु में आम के बोर पर झुंड के रूप में नजर आने लगते हैं, जो बोर का रस चूसकर आम को काफी नुकसान भी पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि कीट के व्यसक तथा शिशु पत्तों तथा फूलों का रस चूस लेते हैं। उन्होंने बताया कि भुनगा कीट का एक प्रकार का मीठा रस विसर्जित होता है जो कि पेड़ों की पत्तियों एवं फल पर लग जाता है, जिस पर काली फुफुंद यानी कि सूटी मोल्ड पनपती है। उन्होंने बताया कि इससे पत्तियां चिपचिपा जाती हैं तथा फुंद से काली हो जाती हैं। ऐसे में बोर मुरझाने लगते हैं और असमय से पेड़ से झड़ भी जाते हैं। उन्होंने बताया कि इसकी रोकथाम के लिए किसानों को वे सलाह देते हैं कि मोनोक्रोटोफास या क्लोरोपायरीफास 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव करें। बागवान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला बिलासपुर में आजकल आम के जो हमारे पौधे लगे हैं उसमें भूरे रंग का एक कीट है जिसे मैंगो हॉपर या मैंगो तेला के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष जिला बिलासपुर में हमारा जो उत्पादन का लक्ष्य है लगभग 4400 मीट्रिक टन का है और जिला बिलासपुर में लगभग 4200 हेक्टेयर क्षेत्र आम की बागवानी के अंतर्गत आता है। इस जो मैंगो हॉपर की मैंने बात की या तेला जिसे मैंगो का तेला भी कहते हैं, इस कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप आजकल देखा जा रहा है क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है ये बहुत ही उपयुक्त है इस कीट के को बढ़ावा देने वाला है। और इसके लिए मैं किसानों से बागवानों से एक निवेदन करूंगा कि वो अपने बगीचों में मोनोक्रोटोफास या मोनोसिल के नाम से जो दवाई बाजार में उपलब्ध रहती है उसका 1.75 से लेकर 2 मिलीग्राम मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसमें बगीचों में स्प्रे करें। इसके अतिरिक्त ये दवाई अगर किसी को बागवान को भी नहीं मिल पाती है तो मोनोक्रोटोफास भी आप ले सकते हैं, उसको भी 1 से 1.5 ml प्रति लीटर की दर से इसका डालकर छिड़काव करें, क्योंकि ये ऐसा जो कीट है ये इतना ज़्यादा नुकसान बगीचों में पहुँचाता है कि जिससे बहुत ही जो हमारे बगीचों में बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका रहेगी। और इस बारी ऑन ईयर है, इसमें मतलब अगर इसके ये स्प्रे टाइमली हो जाएगी तो अच्छा फल और अच्छी क्वालिटी का गुणवत्ता का बागवानों को फल मिलेगा। और इसके अतिरिक्त मेरे ये भी निवेदन है कि जो कार्बेंडाजिम बावस्टिन या हिमिस्टिन के नाम से एक फफूंदनाशक दवाई आती है उसको भी इसमें मिला लें, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू का भी अटैक बगीचों पे आ रहा है तो उसे भी आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर इस दवाई में दोनों का मिलाकर भी स्प्रे कर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसको 15 दिनों के बाद दोबारा से इन दवाइयों को आप रिपीट करें ताकि आपके बगीचों में अच्छी तरह के जो फल आम के आपको मिल सके। धन्यवाद।